चेहरे पर कोई डर, ना माथे पर शिकन। टहल तो ऐसे रहा है जैसे कंपनी गार्डन में मॉर्निंग वॉक के लिए निकला हो। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा मर्डर केस के इकलौते आरोपी आफताब की। ये वही शख्स है जिसने श्रद्धा को पहले बेरहमी से मारा, फिर उसके 35 टुकड़े कर उनके टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो चुका है और अब नार्को टेस्ट का इंतजार है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये रही कि आफताब जब टेस्ट के लिए FSL लैब आया तो उसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। आपको बता दें कि आफताब बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसको श्रद्धा को मारने का कोई पछतावा है ही नहीं। उसके एटीट्यूड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद आफताब को पता है कि ये पुलिस वाले उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख पुलिस भी हैरान थी। और इसमें सबसे गौर करने वाली बात ये थी कि आफताब जब बाहर आया तो कोई पुलिस वाला उसके साथ नहीं था और ना ही किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जबकि ऐसे शातिर अपराधियों को पुलिस वाले हमेशा अपने हाथों की गिरफ्त में रखते हैं। लेकिन यहाँ आफताब को खुला छोड़ा हुआ था। अब सवाल ये कि क्या पुलिस इस मामले में लापरवाही कर रही है, या ये कहे कि अभी भी पुलिस इस मामले को लेकर सीरियस नहीं है। और हो ना हो, जब पुलिस ही इस मामले को लेकर सीरियस नहीं होगी तो अपराधियों का कॉन्फिडेंट बढ़ना तो लाजमी है। शायद पुलिस को अब तक सरकमस्टांसेस एविडेंस के अलावा कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए आफताब इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, या ये कहें कि उसे लग रहा है कि शायद पुलिस कभी भी श्रद्धा की लाश तक नहीं पहुंच पाएगी।